जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सांबा पुलिस ने चोरों के एक बड़े गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ साथ 6 चोरी की बाइक्स रिकवर की है और कुछ कैश भी पुलिस ने रिकवर किया है। क्या ये पूरी जानकारी है, क्या ये पूरी कामयाबी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सांबा पुलिस के तमाम आला अधिकारी, जिसमें DYSP हेडक्वार्टर सांबा भीष्म दुबे जी, तमाम ये जानकारी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस सफलता पीछे क्या कुछ एफर्ट्स पुलिस ने लगाए हैं, ये तमाम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं। एक बड़ी रिकवरी आपने की है, चोर के बड़े गैंग का भांडाफोड़ किया है, तमाम चोरी की बाइक्स रिकवर की हैं, चोर गिरफ्तार किए हैं, कैश रिकवर किया है, क्या सफलता है पूरी तमाम लोगों को बताने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेसिकली देखिए, 2 डिफरेंट ऑपरेशन हमने कैरी आउट किए थे, जिसमें हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसको हमारे SHO PS सांबा लीड कर रहे थे अलॉन्ग विद जो बाकी ICBPs थे। उसके दौरान हमने इन टोटल 5 अक्यूज्ड को हमने जो है गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, जम्मू ज़िला, सांबा ज़िला और कठुआ ज़िला से। और हमने इसमें 6 बाइक्स जो हैं अभी तक रिकवर की हैं। उसके अलावा हमने इसमें नकदी भी रिकवर की है। तो ये 2, मैं आपको बताऊं कि ये 2 अलग अलग गैंग्स थे इसमें जो इन्वॉल्व हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स हैं दोनों। एक जो है वो बाइक लिफ्टिंग को अंजाम देता था और दूसरा गैंग जो है वो हाउस ब्रेकिंग और शॉप ब्रेकिंग को अंजाम देता था। तो ये पहले हमारे एरिया में और जितने भी एरिया में यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ये अपने प्लान्स को, वहाँ ये रेकी करते थे और टाइम आने पर स्ट्रेटेजिक तरीके से वहाँ जो है उसको एग्जीक्यूट करते थे, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते थे। तो अभी तक यही हमारी रिकवरी है और मुझे लग रहा है कि इनके जो को कम्प्लिस है, अभी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है और भी इसमें जो है अरेस्ट जो है रूल आउट नहीं की जा सकती, प्लस इसमें और भी रिकवरी होने के चांसेस जो है। लेकिन ये कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या ये पहले भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या इस तरह की वारदातों में शामिल हैं? जी, इसमें जो 5 अक्यूज़ हैं उसमें से 3 अक्यूज़ ऐसे हैं जिनके सांबा ज़िला के अलावा और ज़िलों में भी जो है FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो है, इनका पास्ट हिस्ट्री क्रिमिनल जो है वो भी उससे भी ये एसोसिएटेड हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी टाइम से एक्टिव है। जैसे अभी हमें यहाँ पता चला कि गैंग इसी तरह से सक्रिय है, तो अकॉर्डिंगली हमने टीम बना के जो है गठित करके टेक्निक और फिजिकल एड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए तो हमने इनका जो अरेस्ट है वो इफेक्ट में लाया। इनके नाम बता सकते हैं कि कौन कौन है ये इसमें जो शामिल? इसमें जो बाइक लिफ्टिंग जो गैंग है हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसमें इनका किंग पिन है अब्दुल करीम, जो सांबा जिला का रहने वाला है। उसके अलावा इसमें सांबा जिला का दूसरा अक्यूज जो है अबू बिलाल है और तीसरा इसमें हनीफ अली है, जो जम्मू जिला का रहने वाला है। उसके अलावा जो हमारा शॉप ब्रेकिंग के जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, उसमें 2 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक का नाम फकीर हुसैन है और दूसरे का नाम शादीन है। ये दोनों कठुआ ज़िला से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। जिसमें आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे भी काम किया जा रहा है, उसमें कड़ियाँ ढूंढी जा रही हैं, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि जिस तरह से ये तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया होगा जिसमें ये तमाम चीज़ें आपने अब रिकवर की। जी, इसमें बेसिकली ये दुकानों को ज़्यादा टारगेट करते थे, प्लस एक खास किस्म की बाइक का जो टाइप है जिसमें ये एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ये ज़्यादातर उन्हीं बाइक्स को टारगेट करते थे। और हमें उस चीज़ का तब इसमें संज्ञान में आया जब एक ही तरह की बाइक की 2-3 रिपोर्टिंग हमें हुई कि वो चोरी हो रही है और विसिनिटी जो था एरिया का वो ज़्यादा दूर नहीं था एक दूसरे से। तो अकॉर्डिंगली फिर हमने स्ट्रेटेजाइज करके इसको आगे इंप्लीमेंट किया। अकाउंट ट्रांजेक्शन को लेकर भी इसमें कुछ चीज़ें सामने आई? जी, इसमें थोड़ा सा इनका एक मॉडस ऑपरेंडी सामने आया है, जो हाउस ब्रेकिंग वाला जो इंटरस्टेट गैंग था, ये बेसिकली क्या करता था, चोरी करने के बाद जो स्टोलन मनी था उसको थर्ड पार्टी के थ्रू जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते थे, देन उसके बाद इसको फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे कंपनीज के बीच में, वो अपने एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली जो है उसको मैनेज करते थे। बिल्कुल सर, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, SHO साहब ने, आपने मिलकर तमाम इसमें इस कार्रवाई को अमल में लाया। तो सांबा जिला के लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा, खासतौर पर सांबा शहर के लोगों को, क्योंकि पिछले दिनों में जो वारदातें सामने आई उसमें आपने काम भी करके तमाम मामलों को सुलझाया भी है, लेकिन फिर भी लोगों का सहयोग आपको मिलता रहे, इसको लेकर के आपका मैसेज? जी, इसमें देखिए, हमारे सांबा ज़िला जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा, वो पुरजोर कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों को जो है प्रिवेंट करने में, कम करने में। लेकिन मुझे लगता है ज़िला सांबा की जनरल पब्लिक से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं अर्ज करूँगा उनको कि जो CCTV कैमराज हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कीजिए। और दूसरा, जो आप लोग एम्प्लॉय करते हैं अपनी दुकानों पर, अपने घरों में जो भी लोग एम्प्लॉय करते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स में, उनका काइंडली आप जो है नज़दीकी थाना से उनका वेरीफिकेशन करवाइए। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों हमने एक और चोरी जो है वो पकड़ी है, जिसमें सांबा ज़िले का एक इनफेमस क्रिमिनल है लड़का, वो थेफ्ट जो अंजाम देता था, और उसके विजयपुर और अलग ज़िलों में भी उसके FIRs हैं। तो वो जो लड़का है वो उसमें हमें उसको चोरी को क्रैक करने में, थेफ्ट को क्रैक करने में CCTV की काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिली है।
तो मैं फिर से दोबारा ये गुजारिश करूंगा जनरल पब्लिक से कि जितना हो सकता है इंस्टॉलेशन कीजिए सीसीटीवी का। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सांबा विष्णु दुबे जी, एसएचओ सांबा संदीप चाड़गी, तमाम उनकी टीम जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये बड़ी रिकवरी जो है वो चोरी हुए बाइक्स की है, जिसमें 6 का ये नंबर बताया जा रहा है और उसी के साथ साथ 5 चोर इसमें गिरफ्तार किए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि ये जो चोरों का गैंग है इसका भांडाफोड़ किया है। और हम जैसे लगातार आपको अपडेट करते हैं कि सांबा पुलिस कोशिश कर रही है कि जिला सांबा से क्राइम को खत्म किया जाए, नशे को खत्म किया जाए, उसी को लेकर पुलिस लगातार अपनी टीमों को साथ लेकर चल रही है और उसमें अलग अलग तरह की कार्रवाइयों को अंजाम में लाया जा रहा है। मोटिव एक ही है कि जिला सांबा को क्राइम मुक्त और नशा मुक्त बनाना है। और ये जो चोरों के लगातार गैंग हमें देखने को मिले, जो सक्रिय हैं, जो लोगों को टारगेट करते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करते हैं, या अलग अलग जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है, उसको लेकर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इन तमाम एक्टिविटीज को कर्टेल करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसी कड़ी में ये एक बड़ी कामयाबी सांबा पुलिस ने हासिल की। उम्मीद करेंगे इसी तरह से आगे भी पुलिस लगातार काम करेगी और सांबा के लोगों के हितों के बारे में सोचकर और सांबा के लोगों के सहयोग के साथ काम करेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।